हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी से एक पत्र जारी हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का सभी प्राचार्य प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक जिले के सभी कोटि के सरकारी विद्यालय, और इसका विषय है अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का नाम काटने के संबंध में। एक मुजफ्फरपुर से भी लेटर जारी हुआ है इस तरह का। उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद भी आपके विद्यालय में छात्र उपस्थिति सामान्यतः 75% या उससे अधिक नहीं हो पा रही है, जबकि इस संदर्भ में पूर्व से निर्देश दिए जाते रहे हैं कि जो छात्र अधिक समय से विद्यालय में अनुपस्थित है उनका नाम औपबंधिक रूप से काट दिया जाए। दिनांक 3/10/2023 को संध्याकालीन VC में इस मामले पर समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया है कि कुल नामांकन का 10% या अनुपस्थिति के आधार पर उससे अधिक छात्रों का नाम औपबंधिक रूप से काटा जाए। इसके लिए जिले के 1,00,000 से अधिक नाम काटने का लक्ष्य प्राप्त है। तो मुजफ्फरपुर जिले से भी सेम ऐसा ही पत्र जारी हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि जिला से 1,00,000 नाम काटने का लक्ष्य जो है वो दिया गया है। तो इसमें निर्देश दिया जाता है ना कि वैसे छात्र छात्रा जो अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उसको आधार मानकर औपबंधिक रूप से नाम काटना है और अपने निर्धारित लक्ष्य को 1 सप्ताह के अंदर तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई भी संभावित है और ऐसा नहीं करने पे प्रधानाध्यापक पे कार्रवाई भी हो जाएगी अगर वो नाम को नहीं काटते हैं। तो जो भी छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं उनका नाम जो है काट के हटा देना है औपबंधिक रूप से।